हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू का देख लिया होगा जो कल ही यहाँ इस पे वीडियो अपलोड हुआ था। दोनों पार्ट तक लगभग 2 आवर्स जाएगा, जिससे आपका जीएसटी पूरा रिवाइज तो हो ही रहा है सर। साथ ही साथ 2 से 5 मार्क्स कंफर्म एज इट इज मिलेगा, एज इट इज मिल जाएगा सर। तो इन क्लासेस को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है सर जी, आते हैं, पढ़ते हैं 36 नंबर। वेयर हाउसिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, किन किन चीजों की वेयर हाउसिंग? सर वेयर हाउसिंग को लेके सर मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ाई हुई भी है। चलो अब इसको एक बार मैंने टर्न कर ही दिया है, तो इस बार कर ही लेते हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने पूरी की पूरी पल्सेस नट्स ये सब कुछ मैंने आपको वेयर हाउसिंग में क्या क्या टैक्सेबल होता है क्या नहीं होता है बताया हुआ की है। अगेन उसे रिलेटेड कुछ बातें आ गई है यहाँ पे। वेयर हाउसिंग सर राइस की भी पूरी पूरी साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो राइस के ऊपर चलती है। साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी आपकी राइस के ऊपर चलती है, इसलिए सर भारत में जिस चीज पे पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर ही रूल्स बनते हैं। तो राइस को इन्होंने स्पेशल कंसेशन दे दिया, क्योंकि देखो राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। पैडी बनता है, पैडी की प्रोसेस होती है, धान की प्रोसेस होती है, तो चावल बनते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी राइस का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। जैगरी का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। कॉफी, टी एंड कॉफी दोनों के वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है, मतलब चारों की वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। इस तरीके से 36 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ये वाला। क्लियर? यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस रिसीव्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ सप्लाई, कौन सी सर्विस अमाउंट ऑफ सप्लाई बन जाती है अगर वो FOC बेसिस पे हो, फ्री ऑन चार्ज बेसिस पे अगर हुई है तो। और ये भी केस किसका बोल रहा है सर? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का। तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट को आपको घुमाते हुए हम बताते हैं। देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाई अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन USA। भाई आपका बेटा है, सन सन रिलेटिव की मीनिंग में आता है, आपके बेटे जो आप पे, भले ही वो आप पे डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्विस लेते हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो FOC बेसिस भी सप्लाई की मीनिंग में आ जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड। ब्रदर, ब्रदर आपका डिपेंडेंट होता तब तो आप देखते, डिपेंडेंट नहीं है तो भाई साहब ये आपका अगर FOC बेसिस पे आया तो सप्लाई की मीनिंग नहीं आएगा। तो पॉइंट नंबर 2 सप्लाई की मीनिंग में नहीं आएगा। ठीक है सर जी, अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑफ सच पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस। डिपेंडेंट ब्रदर से कोई सर्विस ले रहा हो वो सप्लाई की मीनिंग में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका डिपेंडेंट है डॉटर, उससे कोई सर्विस ले ले रहे हो वो भी आपकी सप्लाई की मीनिंग में आ जाएगी। तो सर आपका आंसर क्या क्या गया? 1, 3 और 4 सप्लाई की मीनिंग में है। That is 1, 3 and 4 supply की meaning में आ गया। Clear? Yes sir, clear. Question number 38 को देखते हैं। Which of the following person is not eligible for composition levy under section subsection 1 and 2 of the CGST Act 2017, even though the aggregate turnover doesn't exceed 1.5 crore in preceding financial year in Uttar Pradesh? इन्होंने पूछा है कि भैया कौन सा person not eligible, जो composition levy लेने के लिए eligible नहीं है, भले ही उसका टर्नओवर नहीं ज्यादा हुआ है 1.5 करोड़ से, और उत्तर प्रदेश है तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट तो है ही नहीं। सर उत्तर प्रदेश के लिए लिमिट कितनी है? सर 1.5 करोड़ की लिमिट आ जाती है कंपोजिशन के लिए। तो कौन सा पर्सन नहीं होगा सर? अगर वो इंटर स्टेट कर रहा होगा तो नहीं हो सकता है। देखिए, पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, सर इसको 1.5 करोड़ की लिमिट मिलती है। पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, आप जो बैंक इंटरेस्ट की सर्विसेज लेते हैं इसको एग्जेम्प्ट सर्विसेज कहा जाता है, और यहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी है 1.5 करोड़ तक का बेनिफिट पाने के। पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, बाबू मेरे अगर ये मैन्युफैक्चरर होता तो बात अलग थी। मैन्युफैक्चरर आपका कंपोजिशन नहीं लेते, मैन्युफैक्चरर पान मसाला, पान तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम वाले के लिए, साथ ही साथ अगर आपका एरिएटेड वाटर वाले होते हैं, बट ये ट्रेडर था तो इसको भी मिलेगी। लेकिन पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर को 1.5 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट, सर्विस प्रोवाइडर को 1.5 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को
आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, टीओएस के केस में, टीओएस किसके में, आरसीएम के केस में क्या होता है सर जी? आरसीएम के केस में जब भी आपने पेमेंट कर दिया, और चूंकि यहाँ पे रिसिपिएंट पेमेंट करता है, रिसिपिएंट टैक्स जमा करता है, टैक्स का पेमेंट रिसिपिएंट करता है, तो रिसिपिएंट क्या करता है, या तो पेमेंट दे देता हो या तो 61st डे हो चुका हो फ्रॉम इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो डेट अर्लियर आ जाएगी ना सर, वहां पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर, आपने पेमेंट कर दिया हो, या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब कौन सा, इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, मतलब 61st डे वाला जो मैंने यहां बताया है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो आई अर्लियर ऑफ ए एंड बी आपका ऑप्शन जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डी। बोलो सर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डी। क्लियर है? क्लियर है सर, 39 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज प्रोविजंस एज कंटेंड अंडर सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, किस पे आरसीएम नहीं लगता है? सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, सर ये तो आरटीएम के अंदर आता है। देखो यहाँ पे याद करना, कोर्ट या ज्यूरिडिक्शनल सर्विसेज जो है इस पे जीएसटी नहीं आता। मान लो हाई कोर्ट ने आपको कोई सर्विस दी, तो हाई कोर्ट ने जो सर्विस दी उस पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं ना, ये प्राइवेट कोर्ट एक तरीके से समझ लो, इसकी सर्विसेज पे जीएसटी लगता है और बिजनेस एंटिटी देती है आरसीएम में। ठीक है सर जी, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनरशिप फर्म, स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम लगता है, चाहे स्पॉन्सरशिप सर्विस पार्टनरशिप फर्म को दी गई हो या चाहे एनी कॉर्पोरेट को दी गई हो। फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है, सर्विस टू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देते हैं तो सर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है, आरसीएम नहीं लगेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा था कहाँ नहीं लगेगा आरसीएम, तो ऑप्शन नंबर डी में आरसीएम नहीं लगेगा। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी में एग्जेम्प्ट क्या होगा, क्या एग्जेम्प्ट है? एडमिशन टू सर्कस वेयर एनी टिकट कॉस्ट ₹500 पर पर्सन, सर ₹500 तक की टिकट एग्जेम्प्ट है, ₹550 की एग्जेम्प्ट नहीं है, तो सर यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस, सर इस पे भी जीएसटी लगता है। देखो बैंकिंग की फैसिलिटीज में, बैंकिंग सेक्टर में केवल और केवल क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे ही जीएसटी लगता है, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे ही जीएसटी लगता है। अगर आपका बैंक से कोई ओडी अकाउंट है या सीसी अकाउंट है, तो इसका जो इंटरेस्ट पोर्शन आप पेमेंट करते हो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इस अकाउंट के लिए अगर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस लगते हैं, तो इस पे तो जीएसटी आएगा, इंटरेस्ट पोर्शन पे जीएसटी नहीं आएगा, केवल और केवल क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी आता है, तो सर यहाँ पे भी जीएसटी तो लग जाएगा। थर्ड बोलता है, सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, सर जी इस पे क्या होगा, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया के लिए क्या होगा, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? सर जीएसटी तो यहाँ पे भी आएगा, और ये वाला जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज में जाता है। ठीक ठीक है सर जी, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम पढ़े, सर्विस बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर यहाँ पे किसी भी तरीके की जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। यूएन, यूएन बॉडीज जहां पे आपको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इवन इनको दिया जाता है, यूआईएन दिया जाता है, जिससे ये टैक्स का रिफंड ले पाते हैं, तो डिप्लोमेटिक मिशंस को कोई ने कोई भी सर्विस दी उस पे जीएसटी नहीं आता है। क्लियर सर जी, क्लियर हो गया, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद पढ़े, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर मेकिंग इज अलाउड, किस पे आईटीसी, मोटर व्हीकल पे आईटीसी क्या है सर, 17(5) पे ब्लॉक क्रेडिट के अंदर ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अगर उस मोटर व्हीकल का यूज किसी फर्दर सप्लाई में करते हैं, मतलब कार खरीदे हैं कार को बेचने के लिए, तो सर फर्दर सप्लाई में करते हैं, तो वहां पे आपको आईटीसी मिल जाता है, या तो फिर सर मोटर कार व्हीकल का यूज आप कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, या गुड्स में, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में यूज कर रहे हैं, या तो फिर मोटर व्हीकल से आप क्या ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, ड्राइविंग की सर्विसेज देते हैं, तो वहां पे भी मोटर व्हीकल का इस्तेमाल पे आपको आईटीसी, मतलब परचेज पे आपको आईटीसी मिल जाता है। सर आपका कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपने टाटा
मैजिक खरीद रखी, टाटा एस खरीद रखी है, जिससे आप माल ढोएंगे, माल पहुंचाने का काम करेंगे तो उस पे भी आपको ITC मिल जाएगा। ठीक ठीक है सर जी। अब देखिए तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि मोटर व्हीकल के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ITC मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन सॉरी टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए मिलता है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ इंपेयरिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, ड्राइविंग स्कूल वाले अगर कोई गाड़ी खरीदे हैं तो उनपे भी उनको ITC मिलता है। इन तीनों जगहों पे ITC अवेलेबल है। तो आंसर आपका 1, 2 एंड 3, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? यस सर क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, किसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहला कह रहा है पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाइज, टैक्स ऑन व्हिच इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट, मतलब जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले लोग हैं, एज लाइक जो लॉयर है, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कोई लॉयर है, वो लॉयर सिर्फ और सिर्फ अपने ही शहर में, अपने ही स्टेट में, इवन अपने ही स्टेट में सर्विस देता है, और सारे के सारे इसके लोग जो इसके सर्विस रिसीवर है वो RCM में टैक्स पे करेंगे, तो भाई इसको कौन सा कंपल्सन है रजिस्ट्रेशन का। सर इसके लिए तो कंपल्सरी है ही नहीं रजिस्ट्रेशन करना, तो ये ऑप्शन आपका गलत आ गया। दूसरा ऑप्शन भी बोलता है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेस अप टू ₹20 लाख, क्या 20 लाख रुपए तक अगर आप सप्लाई करते तो कंपलसरी है कि 1 रुपए की भी सप्लाई कर दी तो कंपलसरली आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर इंटर स्टेट अगर 1 रुपए का भी कर दिया तो आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ये 20 लाख की बात ही नहीं आती है, पूरा स्टेटमेंट ये गलत लिखा हुआ है। तीसरी बात पढ़ते हैं सर, पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विस थ्रू ECU इकोनॉमिक ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन सप्लाई स्पेसिफाई अंडर 95 95 के ECU को छोड़ के, अदर कोई ECU है, 95 का ECU वही हो गया आपका ओयो, ओला और अर्बन क्लैब, याद कर लेना वो ओयो ओया ओला अर्बन क्लैब वाले जो ये जो हो गए, विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹20 लाख। तो ऐसा भी कहीं कोई रूल हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, जो किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ करता है एज एन एजेंट के तरह से, वेदर एज एन एजेंट और नॉट और अदरवाइज, चाहे एजेंट की कैपेसिटी में करता हो, अपनी ओन इनवॉइस देता हो या अपनी ओन इनवॉइस नहीं देता हो, कुछ भी कर रहा है, अगर वो पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है किसी दूसरे के बिहाफ पे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर जी, आपको आंसर याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको पढ़ाया हुआ है CTP हो या NRTP हो, 5 days prior to the date इनको लेना पड़ता है, एटलीस्ट 5 days prior to the commencement of business इनको लेना पड़ता है, तो सॉल्यूशन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन विल बी वैलिड फॉर, कितना वैलिड होता है। सर देखिए आपको मैंने पढ़ाया है CTP की, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि CTP को 90 डेज तक का रजिस्ट्रेशन मिलता है, प्लस फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज के लिए, टोटल 180 डेज का ही इसको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है एज एन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप किसी एग्जीबिशन में गए हैं जो 180 डेज से ज्यादा हो जाता है तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कोई एक्सटेंशन की बात नहीं की जाएगी। ठीक ठीक है सर जी। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल मान लीजिए सर, ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम से एक कंपनी इंडिया में आ रही है और इंडिया में ऑटो एक्सपो लगा है, ऑटो एक्सपो लगा है, ठीक है, ऑटो एक्सपो लगा है सर 7 days के लिए, 7 days के लिए ऑटो एक्सपो लगा है। यहां से एक कंपनी आती है एल लिमिटेड, लैम्बोर्गिनी आती है, चलो लैम्बोर्गिनी आ रही है सर यहाँ पे, लैम्बोर्गिनी ने क्या किया यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन तो करवाएगी नहीं अब 7 दिनों के लिए, सिर्फ यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, नॉर्मल नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह अपने आप को रजिस्टर्ड करती है और इस 7 days के ऑटो एक्सपो में पार्टिसिपेट करती है। ठीक ठीक है। तो सर अगर ऑटो एक्सपो की वैलिडिटी ही 7 दिन है तो इसको एज एन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो वैलिड फॉर 7 days ही होगा ना, हम मैक्सिमम 90 दिन का दे सकते हैं लेकिन उससे कम का भी तो दे सकते हैं। तो जब यहां बात करता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन विल बी वैलिड फॉर, जितने दिन के लिए दिए हैं एज लाइक 7 days वो या 90 दिन, विच एवर इज क्या आ जाएगा सर अर्लियर, कि मैक्सिमम 90 डेज तक चल सकता है। तो पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में जो पीरियड लिखा है 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए। चलो
अर्लियर ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दैट इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? यस सर, क्वेश्चन क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 कहता है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सर्विस बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज की बात करते हैं, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो सर जी, एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें, अगर हम इनवॉइसिंग के चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, तो इनवॉइसिंग आपकी गुड्स के केस में हम आते हैं। गुड्स के केस में अगर गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व है या फिर नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट है, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब गुड्स मूवमेंट करता है ना, उस समय आपका लास्ट टाइम होता है कि आप इन्वॉइस इश्यू कर दो। इसके पहले भी इशू कर सकते हैं, लेकिन गुड्स के केस में एडवांस पे इन्वॉइस इशू करने की कहीं बात नहीं आती है। लेकिन जब लास्ट रिमूवल होता है ना, जब रिमूव करते हैं तब आपको करना ही पड़ता है, और अगर रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है तो जब आप अवेलेबल कर देते हैं गुड्स को फॉर द बायर, तब आपको इन्वॉइस इश्यू करनी पड़ती है। लेकिन सर्विस के केस में क्या होती है सर, सर्विस के केस में एक सर्विस नॉर्मल सर्विस हो गई और दूसरा इंश्योरेंस या बैंकिंग सर्विसेज के केस में बात करते हैं। तो भाई साहब, जिस दिन आपको ये सर्विस का प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रहा है, उससे 30 डेज के अंदर अंदर इन्वॉइस देनी होती है, लेकिन इंश्योरेंस और बैंकिंग के लिए 45 डेज के अंदर इन्वॉइस देनी होती है। सर्विस के केस में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि सर्विस के केस में एडवांस में भी इन्वॉइसिंग की बात की जाती है, जो कि गुड्स के केस में नहीं की जा सकती। यहां पे सर जब बात एनबीएफसी की आ गई, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड बात आ गई, तो 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन आपको सप्लाई ऑफ आपने सर्विस कर दी ना, सर्विस से 45 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47, वेदर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न एंड रिमूवल बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इश्यूड। कुछ नहीं, छोटी सी छोटी बात को भी आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे कहा गया कि भाई साहब, एक इंसान था, इसने गुड्स को भेज दिया है ऑन अप्रूवल बेसिस। ये बिजनेस की प्रैक्टिस होती है, ऑन अप्रूवल बेसिस चल जाता है। भाई माल आगे, माल ये सप्लायर है, इसके पास यहाँ पे माल आया, यहाँ पे इतना माल आ गया, तो आपका जो जीएसटी एक्ट है ना, ये जीएसटी एक्ट भी एक छोटी सी बात बताता है। क्या बताता है सर जीएसटी? जीएसटी बोलता है कि भाई साहब, जब ये माल आपके पास आया है, उस डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर बता दो ये माल आपको चाहिए या वापस कर दो। सेल ऑन अप्रूवल है, या तो अप्रूवल दे दो या तो वापस कर दो, क्योंकि जिस दिन, अगर 6 मंथ तक आपने अप्रूवल नहीं दिया, तो 6 मंथ जिस दिन खत्म होगा माल ले जाएंगे, उस दिन आपने डीम्ड अप्रूवल दे दिया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस गुड्स का जो ऑन अप्रूवल गया है, कैसे डिसाइड होगा? जिस दिन अप्रूवल मिल जाए, जिस दिन सप्लाई फ्रूटिफाइड हो जाए, अप्रूवल जिस दिन इसने दे दी, मान लीजिए 2 मंथ के बाद ही भाई साहब ने कहा कि हाँ ये गुड्स मुझे अच्छा लग रहा है, 2 मंथ के बाद ही इन्होंने कहा कि भाई साहब ले लीजिए, गुड्स मैं लूंगा, तो भाई 2 महीना बाद की डेट, या तो फिर 6 मंथ अगर ये चुपचाप बैठा रहा कुछ नहीं किया, तो 6 मंथ वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर आ जाएगी सर, वो आपकी सप्लाई की डेट बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये बात भी नहीं, या तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब उसने अप्रूवल दे दी वो डेट समझो, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल से 6 महीने के पहले पहले, विच एवर इज अर्लियर की डेट को सर क्या होगा, मेरा सप्लाई आ जाएगी और इनवॉइस इशू करनी पड़ जाएगी। ठीक है सर, अर्लियर ऑफ ए एंड बी यहाँ पे आंसर होगा आपका। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और इस सीरीज को आप दोनों वीडियोस जरूर से कर लीजिएगा। 70 क्वेश्चन है, बाकी वीडियो 35 क्वेश्चन पहले वीडियो में और बाकी दूसरे वाले वीडियो में हम दे दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन 48, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके सर, देखो जब गुड्स की बात होती है, जब भी गुड्स की बात होती है तो 3 इनवॉइस जाती है, और सर्विस की बात होती है तो सर 2 इनवॉइस जाती है। तो जब यहाँ पे बोला गुड्स के केस में सर, तो ट्रिप्लीकेट जाएगा, ट्रिप्लीकेट इनवॉइस जाएगी, और जब सर्विस की बात जाएगी सर, तो डुप्लीकेट इनवॉइस जाएगी। कैसे, तो हम आपको अगेन बता देते हैं, यहाँ पे है सेलर, यहाँ पे है बायर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ये हो गया रिसिपिएंट समझ लीजिए, ये है यूपी में, ये है एमपी में, तो यूपी से एमपी माल भी जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीमीटर को बेचा जा रहा है, ऑक्सीमीटर यूपी से एमपी जा रहा है, तो सर ये एक ट्रक में जाएगा, इस ट्रक में जो जाएगा ना, तो इस ट्रक में एक कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास भी इनवॉइस की जाती है, ट्रांसपोर्टर, तो एक कॉपी सर यहाँ जाएगी, सेलर अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी बायर को देगा, और तीसरी कॉपी ट्रांसपोर्टर को देता है, तो ट्रिप्लीकेट बनता है। लेकिन सर्विस के केस में कोई ट्रांसपोर्टर वाली कॉपी की नीड नहीं होती, इसलिए डुप्लीकेट 2 कॉपी बनाई जाती है। ठीक ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं,
49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट वाइल डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन, किसको पहले डिस्चार्ज करेंगे, ऑल ड्यू रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, ऑल ड्यू रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। सर करंट टैक्स पीरियड क्या मतलब की बात करते हो, देखो अगर किसी का जुलाई 2020 का कोई ड्यू बचा है, जीएसटी का ड्यू बचा है, तो मई 21 का ड्यू थोड़ी पहले सेटल कर सकता है, ये तो उसको कंपलसरी बेसिस पे पहले जुलाई 20 का ड्यू सेटल करेगा, उसके बाद मई 21 का ड्यू भर पाएगा। सर ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना। हाँ उसके बाद डिमांड इश्यू 43, 44 और नो सच कंडीशन मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिकली देखो ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, पहले भैया इसको दीजिए, तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न इज, ये आपके पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन किया फाइनल रिटर्न, ये भाई साहब एनुअल रिटर्न नहीं है, एनुअल रिटर्न नहीं है, ये फाइनल रिटर्न है। और फाइनल रिटर्न कब दिया जाता है, जब बिजनेस बंद कर दिया गया, बिजनेस बंद कर दिया या रिवोकेशन कर दिया गया आपका लाइसेंस का, आपके रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन हो गया, तो जब बिजनेस बंद हो गया तो उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको, 3 मंथ के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न देनी होती है। क्लियर? यस सर जी क्लियर है, 3 मंथ के अंदर अंदर हमको फाइनल रिटर्न देनी होती है। तो ऑप्शन आ गया आपका विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, मतलब भाई कैंसिलेशन हो गया, मान लो प्रायर डेट से कैंसिलेशन हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी तो कैंसिलेशन हो सकता है ना, तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, तो जिस जो डेट लेटर आती है, मान लीजिए आपका 30 सितंबर को ऑर्डर आता है कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कैंसिल है लेकिन ऑर्डर आया 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से, इस 30 सितंबर से आप 3 मंथ को काउंट करेंगे, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ाने से अच्छे हम डायरेक्ट आपको ट्रू स्टेटमेंट पढ़ाएं, जो कि ये है कि ग्रैंड पेरेंट आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ओनली इफ, केवल तभी और तभी ग्रैंड फादर मदर आपके रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे यदि दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो ही, डिपेंडेंट है तभी ऐसा होगा। और इसके पहले आपने एक अर्लियर क्वेश्चन में देखा था जहां पे ब्रदर भी अगर फुल्ली इंडिपेंडेंट है तो आपका रिलेटिव नहीं बन रहा था। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू, देखो सर आपने पढ़ा है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस पे जीएसटी उस डेट से आएगा जिस डेट से नोटिफाइड किया जाएगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कभी जीएसटी आता ही नहीं है, क्योंकि इसका रेवेन्यू, अल्कोहल का रेवेन्यू किसके पास चल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, आपने देखा होगा, इसीलिए एज लाइक किसी किसी स्टेट में जैसा कि बिहार में अल्कोहल बैंड है, बैन हो रखी है एकदम अल्कोहल, बिहार में बैन है, झारखंड में मिलती है, यूपी में बहुत ज्यादा ही मिलती है, तो क्या हुआ कि सर कुछ और हरियाणा में सस्ती मिलती है, सर ये स्टेट पॉलिसी ड्रिवेन होती है, इसलिए स्टेट का ही टैक्स लगता है, इसलिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट भी लगता है, ये दोनों ही टैक्सेस लगते हैं, ए और बी बोथ, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा जहां पे ए और बी बोथ लगते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, मिस्टर ए हैज अ टैक्स इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी 2020, द फॉलोइंग रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है भैया मिस्टर ए को 20 जनवरी 2020 को एक टैक्स इनवॉइस रिसीव हुई है, इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इज लॉस्ट इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन और बिफोर, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका नहीं ले पाएंगे, आपको अगर इनवॉइस मिलती है कोई, आप अगर है कोई रेसिपिएंट जिसको कोई इनवॉइस मिली है, तो इस इनवॉइस का आईटीसी आपको क्लेम करना होता है, इसकी एक लास्ट डेट होती है, वो डेट होती है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर, अगले प्रीवियस ईयर के डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर, तो अगला ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, सर प्रीवियस ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को, और इसके बाद जो सितंबर आता है मतलब सितंबर 2020, इसकी रिटर्न की डेट क्या आएगी सर, 20 अक्टूबर आती है, तो कहा जाता है इस सितंबर 2020 की एनुअल रिटर्न की डेट, एनुअल रिटर्न नहीं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की डेट एंड एनुअल रिटर्न जो 31/3/2020 का जो एनुअल रिटर्न है
उसकी डेट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर तक ही आप आईटीसी ले सकते हैं। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर 2020 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 19-20, विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए अगर आपने एनुअल रिटर्न 19-20 की 31 दिसंबर 2020 को आपने भरी है, तो सितंबर की रिटर्न की डेट हो गई 20 अक्टूबर, यही आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। या तो फिर अगर मान लो आपने एनुअल रिटर्न भर दिया सर 5th ऑफ जुलाई को, तो आईटीसी अवेल करने की लास्ट डेट 5th ऑफ जुलाई हो जाती है। ठीक है सर जी। देखो बेटा, आप किसी भी तरीके से स्पीड मैनेज करो। सोचो 2 घंटे में पूरे जीएसटी आपको बता रहे हैं और जितना भी आईसीआई का एमसीक्यू है वो सब कुछ विथ रीजनिंग, और आपको छोटे छोटे कंसेप्ट से बताए जा रहे हैं। ठीक है सर जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके लिए आईटीसी नहीं मिलता है? याद रखना, आईटीसी नहीं मिलता है कब? गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। सही बात है, अगर आप अपने बिस्किट को खरीदने के लिए आईटीसी कंपनी की आपने कोई बिस्किट लाई, ठीक है, सनफीस्ट लेके आते हो आप बिस्किट खा रहे हो, तो आपको बिस्किट का आईटीसी नहीं मिलता है। बट वही बिस्किट अगर आप सोल्ड करने के लिए लाते तो आपको आईटीसी मिल जाता। तो पर्सनल कंजम्पशन पे आईटीसी नहीं मिलता है। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, इसका भी आईटीसी नहीं मिलता। ये तो प्रोविडेड एक्सक्लूसिव सॉरी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, ये तो इसका एग्जाम्पल देखिए एक्सप्रेसली लिखा गया था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें केवल बिजनेस से रिलेटेड चीजों का ही आईटीसी मिलता है। मेंबरशिप दिलवाना मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में था लेकिन बिजनेस नहीं था, इसलिए आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरी बात कहते हैं ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को जो ट्रैवल बेनिफिट दिया गया ऑन वोकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, तो इस पे भी ट्रैवल पे एम्प्लॉय के ट्रैवल पे भी कोई आईटीसी नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो तीनों पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों सर? आईटीसी आपको बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए मिलता है, बिजनेस रिलेटेड। जब सेम नेचर का आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, जब सेम नेचर के आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, लाइक बिस्किट परचेज की और बाहर बिस्किट ही सोल्ड कर रहे हो, तो ही आपको उसका आईटीसी मिलता है। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए तीनों में आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मुझे जो लगता है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर सी जीएसटी एक्ट 2020, किसको गुड्स नहीं कहते हैं? सर गुड्स क्या नहीं होता है? मनी सिक्योरिटीज गुड्स में नहीं आता है, मनी गुड्स में नहीं आता है। ठीक, मनी गुड्स में नहीं आता और सिक्योरिटीज भी गुड्स में नहीं आता है। चलिए सर, 10 पैसा क्वाइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, इसको यहाँ पे लिखो। ये तो बाबू गुड्स में आएगा, इंपॉर्टेंट कैसे अभी बताते हैं। सर मनी क्या होता है? मनी वो होता है जिसकी फेस वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू, उतने में ही चलता है। सर 100 रुपए का नोट जो होता है ना, उसपे लिखा भी 100 रुपए और चलता भी 100 रुपए में ही है। लेकिन जो रेयर क्वाइन होते हैं, जैसे मान लो आज के पृथ्वीराज चौहान के जमाने का कोई 1 रुपए का सिक्का है, वो भी आज 10 लाख रुपए का बिकता है, बिकॉज रेयर क्वाइंस हो गए। उसी तरीके से 10 पैसे का जो क्वाइन है, ये 100 रुपए में बिक रहा है, इसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये मनी नहीं माना जाएगा। ये क्या है? ये मनी नहीं माना जाएगा, ये गुड्स हो जाएगा। क्या हो गया ये चीज? क्या हो गई? 10 पैसे का क्वाइन जिसका 100 रुपए में जो बिक रहा है वो गुड्स है। क्या है सर? गुड्स है। ठीक है सर जी। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये सिक्योरिटीज क्या होती है? सर गुड्स में भी नहीं आती है, सर्विसेज में भी नहीं आती है, गुड्स नहीं है। लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट भी सर गुड्स के अंदर आता है। ठीक है सर, लॉटरी टिकट्स भी गुड्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 2 जो है ये गुड्स नहीं है, तो ओनली पॉइंट नंबर 2 ऑप्शन बी सही माना जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं सर जी। तो मिस्टर राम अ ज्वेलर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई, मुंबई में रजिस्टर्ड आदमी है ये, वॉन्ट टू सेल हिज ज्वेलरी इन ट्रेड एक्सपो हेल्ड इन दिल्ली, भैया दिल्ली में वो जाके बेचना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या स्टेटमेंट गलत है इस केस के अंदर? ही नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। सर मैंने पढ़ाया है कि 5 दिन पहले आपको लेना पड़ता है, एडवांस में टैक्स जमा करना पड़ता है, तो ये तो ट्रू है। ही नीड टू पे एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, ये भी ट्रू है। इवन बाद में आपको रिटर्न भी भरने होते हैं। ही नीड टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, सर जी अगर मैंडेटरी प्लेस ऑफ बिजनेस होता तो हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ही क्यों लेते? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन तभी मिलता है अगर मेरे पास कोई प्लेस हैव प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मेरा ये स्टेटमेंट है सर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी, ही नीड टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3 बी फॉर दिल्ली GSTIN फॉर द मंथ व्हेन ही इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ये भी ट्रू है सर। सर ये भी ट्रू। और मान लीजिए इन्होंने एडवांस, ये जो था ना एडवांस टैक्स,
एडवांस टैक्स मान लीजिए इन्होंने 3 लाख का भरा होता और इनकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टैक्स की 2 लाख रुपए आती, तो ये GSTR 1 और 3B के थ्रू दिखा भी देते और 1 लाख रुपीज का रिफंड भी ले लेते। सर सारे ऑप्शन सही है, बस सी ऑप्शन गलत है कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन ही यही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सर जी। 57 पढ़ते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर CGST एक्ट। सर एग्जेम्प्ट क्या होता है? निल रेटेड एग्जेम्प्ट होता है, होली एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट होता है, होली एग्जेम्प्ट भी एग्जेम्प्ट में आता है, और नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल को भी सर एग्जेम्प्ट कहा जाता है। ठीक, तो सेल ऑफ लिकर, दारू, लिकर, लिकर के ऊपर सर क्या लगता है? आपने यहां पढ़ लिया सर अभी वैट, और ये देखिए अभी आपने पढ़ा सर लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और ये वैट लगता है। लिकर के ऊपर क्या लग रहा है? देखो एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा है, तो सर लिकर के ऊपर अगर एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा है इसका मतलब इसके ऊपर ये नॉट टैक्सेबल सप्लाई हो जा रहा है, तो इसको भी एग्जेम्प्ट कहा जा सकता है। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, सर सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस फॉर क्योरिंग और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और क्योर करने के लिए अगर कोई भी आप हेल्थ केयर की सर्विसेज देते हैं तो वो भी हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के तहत एग्जेम्प्ट की गई है, तो सर ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, आपके घर जिस भी बिजली का बिल आता है, अगर आप दिल्ली में है तब तो आपके पास शायद बिल ना आता हो मेरे प्यारे नालायकों, बिकॉज वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी हद तक फ्री कर दिया गया है। बट अगर किसी भी स्टेट में, और बेसिकली अगर आप यूपी में है तो आप हाइएस्ट इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भरते हैं, वहां पे आप देखिएगा लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बिल को कभी देखना लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इस पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं लगता है। तो इन तीनों पे जीएसटी नहीं लगता है और तीनों को एग्जेम्प्ट सप्लाई कहा जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़ लेते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। सर इसको आप लर्न कर लीजिए कि कौन सा रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, आपका एलोपैथी भी चलता है, उनानी भी चलता है, एंड सिद्धा, ये तीनों ही रिकॉग्नाइज सिस्टम में आता है। वो जैसे मान लीजिए आप किसी बाबा के पास चल जाते हैं और बाबा आपको भभूत दे देते हैं, तो वो कोई मेडिसिन का सिस्टम नहीं है, वो रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है। लेकिन ये अलग अलग प्रदेशों में चलने वाले रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, एलोपैथी तो हर जगह चल रही है, ये तीनों ही रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आते हैं, तो सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ए केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट लार्ज। भाई ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, आप पब्लिक को दवाइयां बेचते हो, दवाइयां बेचना कब से एग्जेम्प्ट हो गया? सर ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, टैक्सेबल है। फूड सप्लाइड फ्रॉम अ आउटसोर्स्ड कैंटीन टू इन पेशेंट्स एज पर डाइट प्रिस्क्राइब बाय द हॉस्पिटल डाइटिशियन, सर ये एग्जेम्प्ट होता है, सर ये एग्जेम्प्ट होता है। इसके बारे में अगर हम आपको कहानी बताएं, देखो कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है ना बाबू, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में है, अब ये बेड पे है, बेड पे डॉक्टर ने बोला कि भैया, डॉक्टर पेशेंट को बताता है, पेशेंट को बताता है कि इसकी डाइट क्या होगी, इसकी डाइट क्या होगी, इसको कौन सा फूड देना है, और अगर वो फूड हॉस्पिटल के कैंटीन से ही जा रहा है, एग्जाम्पल लो या बाहर से भी जा रहा है, तो हॉस्पिटल कैंटीन बाहर से जा रहा है, जनरली हॉस्पिटल ही समझो, बाहर वाला तो जीएसटी लगाएगा ही लगाएगा, हॉस्पिटल के कैंटीन से अगर जाता है तो ये जो फूड इस पेशेंट को जो फूड चला गया ना, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये इन 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 हेल्थ केयर सर्विसेज में चला गया। बट अगर ये फूड इस पेशेंट के अलावा किसी डॉक्टर को अगर हम देते हैं, या पेशेंट से मिलने वाले लोगों को, पेशेंट के साथ वालों को देते हैं, साथ वाले लोग जो होते हैं पेशेंट के साथ वाले, अटेंडेंट्स को देते हैं पेशेंट के, तो भाई साहब वहां जीएसटी की बात की जाएगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इन पेशेंट्स को दिया गया फूड एग्जेम्प्ट होता है। सी पॉइंट कहता है फूड सप्लाई टू आउटसोर्स कैंटीन इन द हॉस्पिटल टू विजिटर्स, भाई साहब अभी बताया विजिटर्स के लिए तो एग्जेम्प्ट नहीं आती है, टैक्सेबल है। एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर देयर अस्थमा पंप, ये भी टैक्सेबल है एडवर्टीजमेंट सर्विस। तो इन हमसे पूछा गया कौन सी अंडर हेल्थ केयर सर्विस आती है जो कि एग्जेम्प्ट होती है, तो सर हमारा ये पॉइंट नंबर बी एग्जेम्प्ट है और हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अच्छा 5 लाख के गुड्स की सप्लाई के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। भाई साहब हेलो प्यारे बच्चों, गुड्स 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 की बात कर रहे हैं, और एडवांस पे, गुड्स पे एडवांस पे कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता है, इसके लिए सर एडवांस या रिसिप्ट वाउचर आप कह लो, रिसिप्ट वाउचर इशू होता है, कोई इनवॉइसिंग की बात नहीं की जाती है, गुड्स के एडवांस पे कोई इनवॉइसिंग की बात नहीं की जाती है।
सर इनवॉइस कब होती है? इनवॉइस इशू 15 अप्रैल को किए हैं और गुड्स रिमूव्ड हो गया 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल तक इनवॉइस, ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस था, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तब तक इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए थी। अगर पहले इशू कर दिए तो और भी अच्छी बात है। तो यहां हमसे पूछा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के तहत व्हाट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? टीओएस। गुड्स के केस में क्या आ जाएगा? इनवॉइस की डेट। इनवॉइस की डेट सर, इनवॉइस की डेट 15 अप्रैल है और वो रिमूव, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से पहले ही उसने इनवॉइस इशू कर दी। अगेन लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो था 25 अप्रैल, उससे पहले इनवॉइस इशू कर दी, तो इनवॉइस की डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। व्हाट इज द टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जी हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा और टाइम ऑफ सप्लाई आपकी आ जाएगी 15 अप्रैल। क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। श्याम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम लॉयर मिस्टर ज्ञान। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम लिमिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज ₹40 लाख। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस एक्सेट्रा इज एज फॉलोज। ठीक है, इनवॉइस इश्यूड बाय मिस्टर ज्ञान 15 अप्रैल है, पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर ज्ञान 5 अप्रैल है, डेट ऑफ पेमेंट इंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम 1 मई है। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? देखो सर जी, टीओएस की बात कर रहे हैं और ये बात आ गई लॉयर्स, हम सर्विसेज ले रहे हैं मतलब रिवर्स चार्ज के अंदर। तो रिवर्स चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई की हम बात करते हैं तो हम पहली बात तो देखेंगे सर, हमने जब पेमेंट किया और इनवॉइस इशू से 61st डे, 61st डे विच एवर इज अर्लियर आता है। और पेमेंट में भी सर दो बात आती है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री की डेट होती है या फिर जो एक्चुअल पेमेंट डेट होती है विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि श्याम लिमिटेड ने रिसीव की थी सर्विसेज, तो श्याम लिमिटेड पेमेंट कर रहा है 5 मई को, लेकिन अब पेमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा है 1 मई को। तो 5 मई और 1 मई पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर अगर हम देखें तो 1 मई आ गया। अब दूसरी बात सर, 1 मई एंड 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो 16th अप्रैल से 61st डे जो आएगा वो अप्रैल के बाद मई में जून की डेट जाएगी, और ये सर 1 मई, विच एवर इज अर्लियर। तो देखो 1 मई आज ही, 1 मई आपका आंसर हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई या आपकी आ गई 1 मई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। कौन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए अंडर सेक्शन 10(1) एंड 2 ऑफ सेक्शन 10, अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी है। देखो एबीसी एक फर्म है जो कि सेल्स करती है गारमेंट का अहमदाबाद में, जिसका एनुअल टर्नओवर है 78 लाख, 78 लाख टर्नओवर है, 1.5 करोड़ से नीचे है क्योंकि गुजरात के लिए लिमिट कितनी लगती है सर? गुजरात के लिए लिमिट लगती है 1.5 करोड़, और ये विद टर्नओवर कहां कर रही है? 78 लाख अहमदाबाद मतलब गुजरात स्टेट के अंदर। तो सर ये तो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए, हमें खोजना है कौन एलिजिबल नहीं है। सर ये हट गया मेरा। दूसरा बोलते हैं, अ स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट इन दिल्ली हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 98 लाख। सर दिल्ली रेस्टोरेंट सर्विस 98 लाख की है, इकलौत सर्विसेज के लिए सर 50 लाख से ऊपर नहीं है कंपोजिशन का फायदा, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस के लिए सर 1.5 करोड़ तक का बेनिफिट मिलेगा। दिल्ली को 1.5 करोड़ का बेनिफिट मिलता है और सर इसको भी कंपोजिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है सर, तीसरा पढ़ते हैं, कोरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोलली इन मुंबई हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 90 लाख। सर कोरियर सर्विस कंपनी है मतलब सर सर्विस सेक्टर की बात आ गई, और सर्विस सेक्टर ने सर 50 लाख रुपए से ऊपर का अगर टर्नओवर हो गया तो सर इसको कहीं से भी कंपोजिशन स्कीम लेने का बेनिफिट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। अज्यूमिंग ऑल द एक्टिविटीज गिवन बिलो आर अंडरटेकन फॉर अ कंसिडरेशन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सा नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? ठीक, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सर ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। An employee agreeing not to work for competitor organizer after leaving the current employment। देखो non-compete fees वाली जो, ये भी supply of service में आता है, ये भी सर service के supply में आती है। ठीक, तीसरा पढ़ते हैं repairing of mobile phone, सर ये भी supply of service में आता है। चौथा पढ़ते हैं provision of service by an employee to the employer in the course of employment, सर ये आपने schedule में आपने पढ़ा है कि सर इसको exclude कर दिया गया है
ये एग्जेम्प्ट है, इवन एक्सक्लूड कर दिया गया, इसको एग्जेम्प्ट भी नहीं कहेंगे, इसको सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं लाया जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सप्लाई ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ वाई लिमिटेड ₹2,55,000 फॉर चार्ज ऑफ जीएसटी 18%। ठीक है, 2,55,000 रुपए का 18% जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो सर मेरा आउटपुट जीएसटी कितना आ रहा है? सर मेरा जीएसटी आ रहा है 45,900 रुपीज का। क्लियर है? हाउएवर ओइंग द सेम डिफीट ओइंग द सम डिफेक्ट इन द गुड्स वाई लिमिटेड रिटर्न द गुड्स बाई इशूइंग डेबिट नोट ऑफ 40,000 इन द सेम मंथ। मई में ही 40,000 रुपए गुड्स वापस आ गए, हमने किसी कौन सा लिमिटेड था, कौन सा वाई लिमिटेड को हमने गुड्स भेजे थे, इसमें 40,000 का गुड्स वापस आ गया है। ठीक है, तो इसका जीएसटी भी तो वापस आ जाएगा। जेड लिमिटेड रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट ऑफ 40,000 प्लस जीएसटी। तो जेड लिमिटेड ने क्या किया, जेड लिमिटेड ने इसकी लाइबिलिटी 40,000 रुपए से कम कर दी, तो जीएसटी भी 40,000 रुपए से कम हो जाएगा सेम प्रपोर्शन में। तो 40,000 का 18% आता है सर, 7,200 का जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा, ये आउटपुट लाइबिलिटी से मेरा कम हो जाएगा। सर मेरा जीएसटी कितना आता है, 45,900 से डिवाइड करने के बाद 38,700 का, तो इन द सेम मंथ। ठीक है, ये भी मई में ही हुआ। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे 38,700 आएगी। क्यों, कैसे, इतने की आउटपुट लाइबिलिटी थी, जो माल वापस आ गया वो सेम प्रोपोर्शन में हम उसका जीएसटी लाइबिलिटी भी कम कर देंगे, तो 7,200 जीएसटी लाइबिलिटी कम होने के बाद नेट जीएसटी लाइबिलिटी 38,700 की बची है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 65, और आपका ये मास्टर भी अब गया है, थक चुका है। सीएन कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑपरेट ऑप्टेड कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी 2017। इट सोल्ड गुड्स इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का इसने गुड्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में अगर हम देखें तो 15 लाख रुपए का इसने गुड्स बेचा है, जो कि एप्लीकेबल जीएसटी ऑफ दीज गुड्स इज 12%, जिस पे 12% का रेट एप्लीकेबल था। सीएन कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली ऑफ ₹9,55,000 ऑन विच रमेश एंड कंपनी चार्ज जीएसटी 57,300 एंड एस जीएसटी 57,300। सी एन कंपनी हैड ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम ई एन कंपनी रजिस्टर्ड इन हरियाणा ₹2,46,000 ऑन विच ई एन कंपनी हैड चार्ज आई जी एस टी सी जी एस टी लाइबिलिटी ऑफ सी एन कंपनी फॉर द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हमें सी एन कंपनी की जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ना कॉशन दिखाना है कि सी एन कंपनी क्या है। देखो यहाँ लिखा है सी एन कंपनी कंपोजिशन लेवी में है, तो आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 12% निकाल के उसके बाद सी जी एस टी कैलकुलेट करिए, एस जी एस टी कैलकुलेट करिए, आई जी एस टी कैलकुलेट करिए, ये सब कैलकुलेशन करने में अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर लाइन तो यही लिख दिया कंपोजिशन लेवी है, और 15 लाख रुपए पे 1% कंपोजिशन लेवी के हिसाब से खुद ही आपको कंपोजिशन टैक्स पे करना पड़ता है, जो आता है 1,500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये आता है, 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये जाएगा तो सी जी एस टी और एस जी एस टी जाएगा, 0.5 0.5, तो 15,000 का आधा जाएगा, 7,500 सी जी एस टी, 7,500 एस जी एस टी जाएगा। आपका ऑप्शन ये ए सही है। अब आप ये मत कहिएगा सर सी जी एस टी एस जी एस टी कैसे कहे, बिकॉज ये कंपोजिशन अगर कोई ले रहा है, कंपोजिशन ले रहा है तो ये विद इन स्टेट काम करता होगा, इंटर स्टेट तो सप्लाई करता नहीं होगा, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता होगा, इट मीन्स विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा, तो सी जी एस टी और एस जी एस टी ही लाइबिलिटी आएगी। क्लियर? यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 66, मिस्टर रघु अवेल सर्विस ऑफ मिस्टर राजा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर। सीए की सर्विस ली है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट 55,000 रुपए का, और टैक्स ऑडिट ऑफ एनुअल टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइलिंग 10,000 रुपए का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिसेस मिस्टर रघुज वाइफ 5,000 रुपए। देखो मिस्टर रघु की वाइफ का जो हमने आईटीआर भरा है 5,000 रुपए का, ये बिजनेस का खर्चा नहीं था, हमने तो बिजनेस इनकम की, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमने तो बिजनेस इनकम की, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं था मिस्टर रघु के, मिस्टर रघु के बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलता है, केवल बिजनेस के खर्चों का आईटीसी मिलता है। ऑल द एबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑफ दिस सर्विस आर 18%। द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर रघु हैज बुक्ड द इंटायर एक्सपेंसेस ऑफ ₹70,000 प्लस जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, पूरा पूरा खर्चा टू पी एंडल डाल दिया, चलो डाल दिए तो डाल दिए, 70,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल था, तो ये 55,000 प्लस 10,000 जो बिजनेस का खर्चा था
65,000 का 18% वो ITC ले सकता था, तो 65,000 का 18% कैलकुलेट करने पे आता है 11,700 रुपए। ये आपका ITC लेने के लिए वो एलिजिबल था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यस सर जी। क्वेश्चन नंबर 67, बाबू कमेंट करके बताना आपको ठीक लग रहा है सब कुछ। टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। जून का महीना आ गया है और टीटी प्राइवेट लिमिटेड जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है फर्निश करी आपको इन्फॉर्मेशन। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स किया है 1,25,000 रुपए का, ठीक है। इंटर स्टेट परचेज किया है यहाँ पे इन्होंने फ्रॉम, तो यार देखो IGST, SGST और यहाँ पे CGST, जो इनको ITC भी मिल रहा है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है राजस्थान के लिए। इंटर स्टेट परचेज इन्होंने किया है 40,000 रुपए का, तो 40,000 रुपए का इन्होंने परचेज किया है इंटर स्टेट, ठीक है। और इंट्रा स्टेट परचेज किया इन्होंने आरआर ट्रेडर से रजिस्टर्ड इन राजस्थान 65,000 रुपए का, ठीक है सर जी। ऑल द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस इज 18%, ऑल द एबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश कितना होगा। तो हम पहले कैलकुलेट करते सर, मेरे पास ITC कितना अवेलेबल है। सर ITC अवेलेबल है इस 40,000 का 18% जो कि इंटर स्टेट था, तो 40,000 का 18% करते हैं तो सर 7,200 रुपया सर मेरा IGST का ITC है, और 65,000 का 18% सी मतलब 9% CGST, 9% SGST कर दो तो 65,000 का 9% सर 5850 सर, और ये 5850 सर हमको इतना ITC मिलेगा। अब अगर हम निकाले सर मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, आउटपुट लाइबिलिटी सर मेरी आती है 1,25,000 रुपए का 18% IGST की आउटपुट लाइबिलिटी आती है, तो 1,25,000 का 18% आता है सर मेरा, 22,500 रुपए सर मेरा IGST आता है, ठीक। अब सर इसमें को ITC पहले तो मेरा IGST सेट ऑफ होगा 7,200 रुपए, उसके बाद सर मेरा CGST सेट ऑफ होगा सर 5850 का, उसके बाद सर मेरा SGST भी जाएगा 5850 का। अब जो बचेगा मेरा ये मेरा कैश में पेमेंट होता है, इतना हमने पढ़ा है, तो -7200 -5850 -5850 आपका आता है सर 3600, मेरा कैश लेजर से जाएगा और किसके लिए जाएगा, IGST का पेमेंट जाएगा 3600 का। तो आइए देखते हैं सर, IGST 3600 मेरा कैश लेजर से पेमेंट जाएगा, मेरा ऑप्शन ये वाला सही हो जाता है यहाँ पे, सी ऑप्शन। क्लियर है? यस सर क्लियर है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी इजी है। क्वेश्चन 68 देखते हैं। प्रदीप ट्रेडर रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स इंटर स्टेट फॉर ₹2,05,000 इन बलराम प्राइवेट लिमिटेड, टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड सॉरी, रजिस्टर्ड इन यूपी। चलो भाई साहब हरियाणा से यूपी माल गया, हरियाणा से यूपी माल गया और माल की कीमत है 2,05,000 रुपए, ठीक है सर जी। हाँ जीएसटी 5% लगता है, ठीक है। एज पर टर्म्स ऑफ सेल्स, देखो टर्म्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रदीप ट्रेडर हैज टू डिलीवर, प्रदीप ट्रेडर हैज टू डिलीवर द गुड्स एट फैक्ट्री ऑफ बलराम लिमिटेड। टर्म्स ऑफ सेल है कि भैया हमको डिलीवरी मेरी फैक्ट्री पे दो, ठीक है। फॉर द पर्पस प्रदीप ट्रेडर चार्ज फ्रेट ऑफ ₹2,400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड, ₹2,400 ट्रेड का भी चार्ज किया। तो हमने पढ़ा था कि जो भी टर्म्स ऑफ सेल्स के तहत कोई भी पैसा मिलता है तो वो मेरी असेसेबल वैल्यू या वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा था, वैल्यू में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड हो जाता है, तो यहाँ पे सर मेरा ये फ्रेट भी एड हो जाएगा और ये मेरी सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, पूरा फ्रेट भी एड हो जाएगा। 2,05,000 प्लस 2,400, 2,05,000 प्लस 2,400 डेट इज आएगा आपका 2,07,400 रुपए, ठीक ठीक है सर जी। जीएसटी 12% फ्रेट पे लगता है। व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लाइबिलिटी टू पेड इन कैश इन केस अज्यूमिंग दैट द अमाउंट गिवन देयर इन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो याद रखो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट ये 2,400 रुपया बन गया है फ्रेट, तो इस पे जो मेरा प्रिंसिपल पे जो रेट जीएसटी का था वही इस पे भी 2,400 रुपए पे भी जीएसटी का रेट लगेगा। प्रिंसिपल पे 5% लगता था, गलती से 2,400 पे 12% मत लगा दीजिएगा आप, क्योंकि टर्म्स ऑफ सेल में था। तो 2,05,000 प्लस 2,400, 2,07,400 का 5% कितना आता है, 2,07,400 का 5% 10,370 रुपए का मेरा IGST पेमेंट लगेगा। IGST 10,370 रुपए ये आंसर होगा। इसके साथ साथ एक बात आपको और हम याद दिला देते हैं। देखो अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने सोल्ड किया, ठीक है, और ये रेट था, इस पे 5% जीएसटी लगता था, आपको डिले पेमेंट होने के कारण इंटरेस्ट मिला, डिले पेमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो आपको पता है ना इस वाले इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। तो मान लो अगर आपको 1,100 रुपए का इंटरेस्ट, 1,800 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो बाबू इस इंटरेस्ट पे ये मत सोचना कि इस पे 18% जीएसटी लगेगा सर्विस सेक्टर, ना ना, प्रिंसिपल गुड्स क्या था आपके, गुड्स पे अगर 5% जीएसटी था तो माना जाएगा इस वाले इंटरेस्ट पे भी
5% की रेट से ही जीएसटी लगा था। हमेशा प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, कुछ भी है, प्रिंसिपल से रिलेटेड है तो हमेशा प्रिंसिपल पे जो जीएसटी का रेट लगता है, वही एंसिलियरी पे भी जीएसटी का रेट लगता है। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। प्रेम एंड सन्स हैड टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 1 जनवरी। गला सूख चुका है पूरा, लेकिन सिर्फ दो क्वेश्चन बचे, कर लेते हैं। बट फेल्ड टू फर्निश जीएसटी रिटर्न टू टैक्स नेक्स्ट 6 मंथ। चलो 6 महीने तक इन्होंने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा भाई साहब, कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन। ओइंग द सेम द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल इज रजिस्ट्रेशन ऑन 15th of July एंड सर्व द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 31st July। नाउ प्रेम एंड सन्स वॉन्ट्स टू रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रेम एंड सन्स कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर। ये इसके पहले दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हमने क्या पढ़ाया था कि अगर आप अपने कैंसिलेशन को रिवोक करना चाहते हो तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। 30 डेज फ्रॉम आपका बैक जिस डेट को कैंसिल हुआ हो या फिर जिस डेट को आपको ऑर्डर मिला हो, विच एवर इज लेटर। तो आपको ऑर्डर 31st जुलाई को मिला है, 31st जुलाई को आपको ऑर्डर मिला है देखो, और 25 जुलाई को कैंसिल हुआ। तो 25 जुलाई और 31st जुलाई, विच एवर इज लेटर, 31st जुलाई से 30 दिन के अंदर आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन दे सकते हो। तो 31st जुलाई से 30 दिन कहाँ जाता है, 30 अगस्त तक। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों की बहुत हद तक प्रिपरेशन हो गई होगी। और सर जी दोनों वीडियोस कर लीजिएगा। एक्स एक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है, परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स, बुक्स पीसी ट्रेडर से परचेज किया है। रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, बुक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक्सेस अरेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच चार्ज फ्रेट ऑफ 9,000 फॉर द सेम। ठीक है, बुक्स तो आ ही गई है, जब ये सप्लायर है तो बुक्स के साथ साथ इसने जीटीए सर्विस भी ले ली भैया, बुक्स को रेसिपिएंट तक पहुंचाने के लिए। फ्रेट हम ये देखो, ये देख लीजिएगा, एक लाइन सुनिएगा फिर से। पहुंच इसके लोकेशन तक पहुंचाना कंडीशन टू सेल नहीं था, कंडीशन टू सेल नहीं है लोकेशन तक पहुंचाना। ये जीटीए की सर्विस लिया है, ये अलग सर्विस है। बुक्स बेचना अलग सर्विस है, जीटीए की सर्विस अलग सर्विस है, ये दोनों मर्ज मत करिएगा। कंडीशन टू सेल नहीं था जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक ठीक है सर जी। तो जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5% ऑन सच जीटीए सर्विस, मतलब ये जो 9,000 रुपये 5% का जीटीए लग रहा है ये आरसीएम वाला है। 12% अगर होता तो होता फॉरवर्ड चार्ज वाला, लेकिन 5% है तो आरसीएम वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन गिवन केस। पहला स्टेटमेंट देखिए, जीएसटी 450 रुपये, 9,000 का 5% होता है, हाँ 440, 9,000 का 5% आपके यहाँ 440 इज पेबल बाई एक्स एक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इट इज ट्रू, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट नहीं है भाई, कहीं कंडीशन ऑफ सेल्स नहीं है। और रेगुलर बिजनेस में भी जो लोग जिनके फैमिली में बिजनेस होता है उनको पता है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अलग फैसिलिटी होती है। एग्जेम्प्ट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड सर्विस प्रोवाइडेड बाई जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ये गलत बात है। तब तो बुक्स की ट्रांसपोर्टेशन में कोई टैक्स ही नहीं लगना चाहिए सर, बल्कि बुक्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी टैक्स लगता है, ये भी बात गलत लिखी है। जीएसटी 450 इज पेबल बाई जीटीए, जीटीए क्यों पे करेगा, आरसीएम में तो रेसिपिएंट पे करता है, तो भाई ये भी गलत है। आपका पॉइंट नंबर ए ही सही होगा। क्लियर है? ठीक है सर जी। आप एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आपका जीएसटी का जितना भी एमसीक्यू आईसीआई का वो यहाँ पे खत्म होता है और आपको मजा आया होगा। अगर आपकी इनकम टैक्स में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है बाबू इनकम टैक्स में, तो अभ्यास सीरीज जो कि बहुत पिछली बार भी बहुत से बच्चों को बेनिफिट दिया है, अगर किसी का रिजल्ट रुका भी है तो भी उसका एग्जाम एग्जेम्प्ट है, या 50+ ही सारी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट थे सबका 50+ ही अपना मार्क्स है, तो आप अभ्यास सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें 40 घंटे के अंदर विथ कॉन्सेप्ट्स, सोचो विथ कॉन्सेप्ट्स 40 घंटे में विथ कॉन्सेप्ट 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर ही हम सॉल्व करवा देते हैं। और ये अनलिमिटेड व्यूज भी आपको मिलते हैं, अगर आप मोबाइल व्यू लेते हैं अनलिमिटेड व्यू, और अगर आप लैपटॉप व्यू लेते हैं तो आपको लिमिटेड व्यू मिलता है। 3 व्यूज हमने आपको दिए हैं, बल्कि 2 व्यूज कहेंगे हम, एक व्यू खराब हो गया तो हम तो लीगली 2 व्यूज का ही उसको देते हैं, एक व्यू खराब हो गया तो हमने एडिशनल बढ़ा के रखा हुआ है। 2 व्यूज आपको मिलते हैं और आपको इंस्टेंट इंस्टेंट आपको इसका एक्सेस मिलता है, सबसे अच्छी बात है। जैसे ही आपने इसको रजिस्टर किया आपको तुरंत एक्शन मिलता है, विद इन 2 सेकेंड्स आपको एक्सेस मिल जाता है। तो अगर किसी को आपके इनकम टैक्स में प्रॉब्लम है तो बाबू इनकम टैक्स के लिए अभ्यास सीरीज जरूर ज्वाइन करेगा, ये हमारी बहुत सक्सेसफुल सीरीज चलती है। टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनों का ध्यान रखना।